मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सोनाली तनुजा आज आपके साथ एक डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसे हम बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ वगैरह में सुन रहे हैं। तो ये डिज़ीज़ है क्या? ये डिज़ीज़ एक्चुअली में मंकी पॉक्स है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ये जो डिज़ीज़ है ना, वो ह्यूमंस में देखी गई थी 1958 में। कोई नई डिज़ीज़ नहीं है जो आज ही इन्वेंट हुई हो या आज ही आई हो, बोला जाए डिस्कवर हुई हो। तो ये डिज़ीज़ एप से आई है, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस है। और ये सबसे पहले नाइजीरिया में देखी गई थी, अफ्रीका में, ओके। एंड उसके बाद अभी नाइजीरिया के बाहर ये लंदन में भी देखी गई है। लंदन में कैसे आई? जो लोग नाइजीरिया से ट्रेवल करके आए उनके थ्रू लंदन में आती है, ठीक है। अब इसके बारे में मिथ फैला हुआ है हर जगह कि ये स्मॉल पॉक्स के जैसी ही है या स्मॉल पॉक्स है। तो एक्चुअल में दोनों वायरस का जो है जीन देखा गया वो सेम है, बट द वायरस इज़ नॉट सेम, वायरस डिफरेंट है। और ये स्मॉल पॉक्स की तरह ज़्यादा सीवियर भी नहीं है। देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये डिजीज़ कब आती है? तो एक्चुअल में इसका इंक्यूबेशन पीरियड चिकन पॉक्स की तरह ही होता है, 1 से 2 वीक्स या 5 to 21 days हम कह सकते हैं। देन एक्चुअल है क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि है क्या ये डिज़ीज़, ओके। तो ये कुछ भी नहीं, एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में होती है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? इसमें आपको फीवर्स होते हैं, फीवर होता है इन्फेक्टेड जो पर्सन होगा उससे कॉन्टैक्ट में आने से, इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट में आने के 1 से 1 हफ्ते से या 21 दिन 14 दिन बाद या 21 दिन बाद हो सकते हैं आपको फीवर होगा, स्वेलिंग लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, देन रैशेज होते हैं। और रैशेज जो है बाद में ब्लिस्टर फॉर्म के वो फॉर्म होकर स्कैब आउट हो जाते हैं, जस्ट लाइक चिकन पॉक्स, जैसा कि चिकन पॉक्स में होता है वैसे ही होता है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक को इनने कहा है वेस्ट अफ्रीकन टाइप और एक होता है जो सेंट्रल अफ्रीकन टाइप होता है, ओके। सो वेस्ट अफ्रीकन टाइप को ऐसा माना जाता है कि ये लेस सीवियर है, और जो सेंट्रल अफ्रीकन टाइप है दैट इज़ मोर सीवियर, मोर डेंजरस माना जाता है। बट अभी तक कोई भी डेथ आज अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, जो अभी चल रहा है इस टाइम पे। ये जो डिज़ीज़ है इसके जो अभी सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक्चुअली क्लासिकल सिम्टम्स से थोड़े डिफरेंट हैं। क्लासिकल सिम्टम्स में क्या देखा गया था? फीवर देखा गया था, मस्कुलर पेन्स देखी गई थी, उसके बाद ग्लैंड्स वगैरह स्वेलन होती थी और वो स्कैब आउट हो जाती थी, ऐसे स्ट्रेच चलते थे। बट अभी थोड़ा सा डिफरेंट देखा जा रहा है। डिज़ीज़ स्किन में सीवियर होती है सबसे ज़्यादा, सीवियर डिज़ीज़ जो होती है वो होती है चिल्ड्रंस में, बच्चों में। देन नेक्स्ट प्रेगनेंट वुमेंस, लैक्टेटिंग वुमेन, प्रेगनेंट वुमेन स्पेशली। देन इम्यूनो कंप्रेसिव जो भी पेशेंट्स होते हैं जो इम्यूनो कंप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं या जिनको एड्स वगैरह है तो इम्यूनिटी उनकी लो है, उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा सीवियर होती है। देन इसके बाद पहले एक और मिथ फैल रहा हुआ था कि ये मैन टू मैन ट्रांसमिट होती है, बट नहीं, ये जो डिज़ीज़ है इसका स्प्रेड जो है वो एनिमल बाइट से, इसके स्क्रैप से या एनिमल फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से या किसी भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है, या आप इन्फेक्टेड जो भी पर्सन है उसके क्लोज जाए ज़्यादा तो भी हो सकता है। एंड एयरबॉर्न में अगर हम बात करें तो यस, एयरबॉर्न है, बट एयरबॉर्न में होता क्या एक्चुअली, जब भी कोई स्नीज करेगा उसके जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन अगर एयर में आया और आपने उसे इनहेल कर लिया, इनक्यूबेट कर लिया है, तो उसके बाद आपको ये इन्फेक्शन होगा। डिज़ीज़ जो है वो सिमिलर होती है, जस्ट लाइक चिकन पॉक्स ऐसा देखा गया है। एंड इसका जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ वायरस जो है उसका डीएनए चेक करके ही हो सकता है। इसके लिए आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी हुई है, ना कोई वैक्सीनेशन बना हुआ है। एक वैक्सीन है बट अभी वो लिमिटेड है, तो इंडिया में या बाहर यहाँ कहीं नहीं चल रहा है। देन आप क्या कर सकते हैं, या इसके लिए हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या ले सकते हैं, इसके लिए इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या हो सकता है, इससे बचाव के लिए क्या करें? तो बचाव के लिए सेम चिकन पॉक्स के लिए आप जो लेते हैं वेरुलिनम वगैरह वो ले दे सकते हैं, वेरुलिनम 200। देन मेडिसिन बहुत सारी हो सकती हैं, और होम्योपैथी में हम जो मेडिसिन है वो सिम्टम्स के बेस पे देते हैं, तो जो भी पर्सन होगा उसके सिम्टम्स के बेस पे हम उसे मेडिसिन देते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, वेरुलिनम है, वेरिसिलिनम है, एकोनाइट, एंटीएम फ्लू दे सकते हैं, एंटीएम टार्ट, आरएसएल, बेलाडोना, पल्सेटिला, रस्टॉक्स एंड सब एक्सेट्रा। सो बहुत सारी मेडिसिन हैं। थैंक यू। Thank you.